हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर, अपराजिता विद्याकुंज, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट, दरभंगा। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। शहर दरभंगा से थोड़ी ही दूर पर लीजिए आउटिंग का मजा, स्पार्कीज रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स एंड बेकरी विद किड्स प्लेटोरियम, सीसो चौक से पहले, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय दरभंगा। दरभंगा में फिर चली दिन दहाड़े गोली, इलाके में है दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस, गोली चलने की दरभंगा एसएसपी ने भी की पुष्टि। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर, या कहें तो आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारालाही में आज गोली चली है दिन दहाड़े। गोली चलने से हालांकि किसी को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन दहशत का माहौल जरूर कायम हो गया है। हालांकि पुलिस वहां कैंप कर रही है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई गई है। गोली चलने और गोली की आवाज से इलाके के लोग डर और सहम जरूर गए हैं। तमाम घटना के संबंध में जब हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि वहां गोली चली है लेकिन किसी को गोली लगने की सूचना नहीं है, मतलब गोली से कोई घायल नहीं हुआ है, केवल गोली चलने की बात सामने आई है। घटना स्थल पर एसएचओ के जाने की बात भी उन्होंने कही, कहा कि वह रिपोर्ट लेंगे उनसे और उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। तारालाही में चली गोली कांड के संदर्भ में वहां के कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने गोली चलाने वाले लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाया। रंगदारी की बात भी सामने आ रही है और क्या कुछ कहा इन लोगों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो फिलहाल यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से। दरभंगा में दिन दहाड़े चली है गोली, इलाके में दहशत का माहौल है, पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। गोली चलने की घटना की दरभंगा एसएसपी ने भी की है पुष्टि। मनोज के बेटा, अनिल सिंह के बेटा, वैसी रंगदारी से कोई हमें पाइला। हमर बेटा स्कूल के गोड़ी चलावे है, स्कूल के गोड़ी चला के अब अझोल में अझोले लग आई भेले से हम नहाते थे, हमको रिकी के आए अथी गोड़ी बच्चा पहुँचा कर तो आए घर पर कपड़ा बदले आ कहे मम्मी खाना अले आ गाड़ी पड़ल के वो बाहर निकल आ कि गोली चलल के कि नीचा दक भगल है। हम नहाते चलिए तब यो ना चले वो ना चले सब बाजार देते ठेला लोग तब सब दौड़ल अल तब कहलिए की भेल तो हम अलिए एक बार साया पहनि तब देखलिए लोग आर के तब साया बदल के तब अलिए तो देखे छे गोली चल है। एसएचओ वहां पर गया है, जो प्रोफेशनल डीएसपी है वहां से अभी रिपोर्ट देंगे। अभी किसी को गोली लगने की सूचना नहीं, गोली चलने की ही बात आई है। डिटेल रिपोर्ट एसडीपीओ के अभी यहाँ से निकलेंगे जाएंगे, उसके बाद वही बताया हमने। अभी पूरे मामले की जानकारी मिल जाने के बाद हम